me record it. Okay, so now till date we have seen that according to the, our electron transfer and all that things. Okay, if Na plus Cl is there, it gives you NaCl, right? So now what about sodium? Iska kya hoga? Oxidation ki reduction? Oxidation. Okay, kyun oxidation hota hai batao iska? Removal of electron. Electron. Okay. Removal of electron. Chalo, chlorine ka kya hota hai wo bata do. Reduction. Okay, uska kyun reduction hota hai wo batao? So it acts up electrons. Kya hota hai? Accept electron. Accept electron. Okay. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब कर पाएगा? आप सोचो थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कब कर पाएगा? जब सोडियम देगा तब. सोडियम तो इसके रिडक्शन के पीछे, इसके रिडक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोडियम. यस, तो सोडियम को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों सर, क्यों 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 ऐसा क्यों बोला, बताओ बताओ बताओ. अरे भाई, क्लोरीन का रिडक्शन करवाना था, लेकिन इसका पूरे का पूरा रिडक्शन डिपेंडेंट है सोडियम के ऊपर. अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तब भी जाके इसका रिडक्शन होगा. तो क्लोरीन के लिए अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो कि सोडियम. जबकि सोडियम का खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ओके, अब एक और बात. चलो, यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ओके, क्यों? इलेक्ट्रॉन दे रहा है. जब क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी तो ये दे रहा है. सोडियम के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन. तो क्लोरीन का भले ही रिडक्शन हो रहा है, बट दिस वन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. तो ये जो है, आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, जिस किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट वन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस किसी का रिडक्शन हो रहा है दैट वन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज इट क्लियर? यस और नो? यस. पक्का वाला क्लियर है ना ये? अभी बताओ. यस सर. गुड. कोई भी हो, कोई भी हो, आज की एग्जाम में मैंने ये सब पूछा हुआ है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, तो वो थोड़ा आपको बी केयरफुल. सो नाउ एज वी हैव सीन अबाउट द reducing agent and reducing agent and oxidizing agent, the element whose reduction will occur will act as a good oxidizing agent. जिसका reduction हो रहा है वो अच्छा सा oxidizing agent की तरह act करेगा. Okay? Yes or no? चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो next point पे आते हैं. चलो, कौन सा point पे आते हैं हम लोग? Next point पे आ जाते हैं. चलो, अब हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, और उसमें भी हम कौन से पॉइंट पे थे वो बताओ. हैलोजेंस ग्रुप के. हेलो, ऑक्सीजन हो गया था क्या? यस सर. ओके, हैलोजन ग्रुप में अगर हम बात करें तो हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है. तो फ्लोरीन का तो कुछ भी हो जाए यार, फ्लोरीन का तो हर बार कितना रहता था? माइनस वन. इनका क्या था? इन तीनों के लिए क्या था? तो इन तीनों के लिए ये माइनस वन भी होते थे. देखो, माइनस वन भी होते हैं, प्लस वन भी होते हैं, प्लस थ्री, प्लस फाइव एंड प्लस सेवन तक जाते हैं. तो माइनस वन कब होता है? सिंपली ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तब, व्हेन दे फॉर्म सॉल्ट, है ना? यस. When they form salt, जैसे कि NaCl, MgCl2, MgF2, KCl, AlCl3, NaCl, MgCl2, KF, ठीक है, फिर कौन आएगा? KF, फिर कौन आएगा? CaBr2. CaBr2. Okay, yes or no? Yes, sir. Yeah, पक्का? NaCl, MgCl2, KF, CaBr2, ये सब आएगा. अब प्लस वन की बात करें तो, अब थोड़ा सा समझना कि ये प्लस कब होता है. जब ऑक्सो सॉल्ट होता है, जिसमें, जैसे मैं बात करूं तो, अगर यहाँ पे इस तरह से Cl OH है,
तो Cl का आएगा प्लस वन, ऑक्सीजन का आएगा माइनस टू, हाइड्रोजन का आएगा प्लस वन. ऑक्सीजन यहाँ पे Cl का क्या हो गया बताओ, HClO है तो Cl का प्लस वन है, HClO2 है तो उसमें प्लस थ्री आ जाएगा Cl का, HClO3 है तो उसमें Cl का आ जाएगा प्लस फाइव, और HClO5 है तब Cl का आ जाएगा प्लस सेवन. ओके कैसे सर समझाता हूं मैं, HCl ओके ये तो हो गया Cl2O3 देखो उसमें Cl का प्लस थ्री रहता है, फिर ये देखो अपना HBrO2 ठीक है उसमें Br का कितना रहेगा प्लस थ्री, HBrO3 उसमें Br का कितना रहेगा प्लस फाइव, और HBrO4 फोर फोर हाँ फोर सॉरी फोर उसमें इसका रहेगा प्लस सेवन, HIO4 तो उसमें रहता है प्लस सेवन. तो हैलोजन का तो इनमें से कोई भी हो सकता है, और गेटिंग माय पॉइंट, माइनस वन प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव या फिर प्लस सेवन. ओके वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जुड़े हुए. मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, अब बहुत अच्छे से एक बात बताना चाहूंगा, समझो कि मैंने यहाँ पे लिखा HClO4 तब क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखो तब अच्छे से देखना आप, ऐसे होता है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से HClO4 का. यस सर. अब यहाँ पे आते हैं माइनस टू, ये ऑक्सीजन को माइनस टू चाहिए तो ये खींचेगा किसके पास से, इस क्लोरीन के पास से, क्लोरीन के ऊपर आ गया प्लस टू, इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा इस क्लोरीन के ऊपर प्लस टू, इसका माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू, इसका माइनस टू, यहाँ से एक खींचेगा और एक यहाँ से खींचेगा. अब आप अच्छे से इसके ऊपर का पूरा चार्ज देखो और मुझे बताओ कि क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आया, प्लस सेवन. ओके पूरी अंडरस्टैंडिंग है. फिर आप मुझे ये पूछोगे तो सर हमें तो स्ट्रक्चर थोड़ी ना पता होते हर एक के, ये तो आपने ड्रॉ किया और आपने समझा दिया तो हमें समझ में आ गई बात. तो इसके लिए क्या होता है, अब मैं आपको समझाऊं. अब आप एक इसके बाद का जो पॉइंट है वो आप अच्छे से समझो क्या है, ठीक है. चलो रेडी हो सभी बच्चे. यस यस. ओके इसके बाद का अगर मैं पॉइंट आपको समझाऊं तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहे तब आप क्या करो, तब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे HClO4 है तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताओ, जीरो. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, वन हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस वन Cl ऑक्सीडेशन नंबर. यश 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 भाई थोड़ा कंट्रोल कर ले यार. क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर ओके, उसके बाद प्लस कितना आएगा, प्लस फोर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर है ना, यस इज इक्वल टू कितना लिखो बताओ, जीरो. दिख रहा है जीरो आपको लास्ट में. अब देखो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल, ये दोनों नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तब क्या होता है बताओ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तब, प्लस वन. प्लस वन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ढूंढना है तो मैंने उसको एक्स बोल दिया. आई बात समझ में आपको, यस. फिर क्या करना था मुझे, फोर. अब ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ये दोनों ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है माइनस टू, इज इक्वल टू कितना लिखो, जीरो. यहाँ पे आएगा प्लस वन प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू एट माइनस वन, व्हाट विल बी द आंसर, प्लस सेवन. यहां से मैं एक रूल आपको ये बता सकता हूँ कि किसी भी कंपाउंड है उसके सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन, उसके ऊपर जो चार्ज है उतना, या फिर उसके अगर वो न्यूट्रल है तो जीरो के जितना होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर.
लिख लो, ये लिख लिया आपने अच्छे से? यस पक्का लिख लेना ये अच्छे से, ठीक है? अगर वीडियो देख रहे हो तो पोज करके एक बार लिख लो ये। अब मैं बात बता दो, H2SO4 की बात करता हूं। अब H2SO4 में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। नाउ यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताओ। चलो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पे लिखो 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 ही है ना? यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर और प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि इसके ऊपर 0 चार्ज है। चलो अब आप समझो कि हाइड्रोजन का कितना लिखो यहाँ पे? प्लस 1 प्लस 1। सल्फर का कितना लिखना है बताओ? एक्स प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो ये इट्स अ प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यस और नो? हाया ना? यस। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। नाउ इज इट क्लियर? और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो सकता है। सल्फर का इससे कभी ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। कोई मुझे बता पाएगा क्यों सल्फर का 6 से ज्यादा कभी नहीं होता? कोई बता पाएगा मुझे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। यस, उसका सल्फर की अगर बात करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है। अगर ये देना भी चाहे तो मैक्सिमम कितने दे सकता है? 6 ही दे सकता है। यस और नो? यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा देखो तो क्या होता है exactly? चलो okay. H2SO4 इसमें सल्फर का कितना होता है भाई? प्लस 6 और इसका मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। अगर कोई ये बोले कि मैंने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढा और प्लस 7 आया, तब याद रखना यहीं पे कहीं पे लोचा है, लोचा। समझ रहे हो बात? कोई ना कोई तो आपने कुछ ना कुछ चीज मिस की कर रखी है। और अगर आप फिर रिवाइज करो और फिर भी प्लस 7 ही आए कंफर्म, तो समझना कि वहां पे पेरोक्साइड हो सकता है। आई बात समझ में आपको? आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा, डोंट वरी। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर। ओके यस सर। अब और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से है, H2SO4 में कितना था सल्फर का बताओ? 6 था। अब SO4 माइनस 2 में देखो, SO4 माइनस 2 में कितना आएगा वो देखते हैं। चलो अब देखो, अगर जब SO4 माइनस 2 है तब हमें कैसे लिखना होता है? इसमें सल्फर का मैं x ले लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखू x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब 0 नहीं आएगा, बताओ कितना आएगा? माइनस 2। हाँ, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? माइनस 2। माइनस 2। पक्का वाली बात है? माइनस 2। पक्का वाली बात है ये? चलो x कितना आ गया वापस? यस सर। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ इन दोनों में, इसका भी प्लस 6 इसका भी प्लस 6, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए तो उसका हमने माइनस 2 रख दिया है ना यहाँ पे। yes. अगर मैं इसको अगर देखो मैं इसको सेपरेट करूं तब क्या कर सकता हूँ मैं? 2H प्लस और SO4 माइनस 2 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? यस सर। तो अगर आप इसमें सल्फर का निकालोगे तो प्लस 6 ही आएगा, और यहाँ भी इसका प्लस 1 है और इसका माइनस 2 ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। कई बार क्या होता है जब दो आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, एक ही इस कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट के आपको ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने के लिए बोले, तब आप उसको ब्रेक करना होता है। कैसा सर? समझ में नहीं आई सर बात? अब हमें समझाओ। अगर मैं ऐसा बोलूं NH4NO3 है,
तो इन दोनों में दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट है और आपको दोनों के ढूंढने हैं। तब आप यहाँ पे एक्स नहीं लिख सकते दोनों को, इसको एक्स लिखना पड़ेगा तो इसको वाई लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक काम करो, इसको आयंस में कन्वर्ट कर दो। ये कौन से आयन से बने हुए हैं दोनों बताओ, एक कौन से आयन से बना हुआ है? NO3। और ये लिखते रहे ना पूरे के पूरे, ठीक है? NH4 प्लस है और NO3 माइनस है। तब मैं इस एन को एक्स बोल देता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक्स प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल टू प्लस वन आएगा। देखो कैसे, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो यहाँ पे प्लस वन आएगा, फोर हाइड्रोजन है तो प्लस वन। हाइड्रोजन के दो ही हो सकते हैं, प्लस वन और माइनस वन। किसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, मेटल है कि नॉन मेटल है बताओ? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? x प्लस फोर इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल कितना आ गया आंसर? माइनस थ्री। याद रखना माइनस थ्री आया। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन x ले, y ले लो इसको, और इसको आप ले लो माइनस टू ले सकते हो आप, यस और नो? यस। तब आप कैसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे मुझे बताओ एक बार, चलो अच्छे से। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे बताओ? प्लस फाइव आएगा, वाई प्लस फाइव, वाई प्लस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? जीरो। तो y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू ओ माइनस वन, जीरो की जगह क्या आएगा? माइनस वन। हाँ 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 सही है सही है। अगर देखो अगर गलती से मैंने वो कर दिया होता और यहाँ पे y कितना है आंसर? प्लस फाइव। अगर मैंने वो गलती से कर दिया है और अगर वो मैंने गलती से कर दिया है और अगर आंसर मेरा प्लस सिक्स आता तब मैं तुरंत सोचता कि नाइट्रोजन के लिए कभी मैक्सिमम प्लस फाइव तक ही जा सकते हैं, कभी भी उसका प्लस सिक्स तो हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ लोचा है, समझे बात? यस। तो मैं वापिस दिखता फिर, आई समझ में आपको कैसे सोचना है अगर वो हो गया तब भी? यस और नो? यस यस। नाइट्रोजन का मैक्सिमम प्लस फाइव होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। दो ही ऐसे है जिसके प्लस एट मैक्सिमम आज तक प्लस एट देखने को मिला, ऑस्मियम O4, ऑस्मियम O4, ऑस्मियम O4 में एट होता है, एट जो मैक्सिमम है, एट से ज्यादा आज तक किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिला है। और वो यूज कहाँ पे? कौन? ऑस्मियम। वो तो तुझे एक बार गूगल बाबा देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो ऑस्मियम है तो ये कहाँ पे, मतलब इसका क्या होगा? प्लस एट। ये एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन है। ओके, तो ये चीज याद रखना आप। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बातें अभी? यस यस सर। अगर अबे आपकी एक्सरसाइज देखो, आप एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, प्रॉब्लम नंबर 8.3 है, उसमें इन लोगों ने कई सारों के ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने के लिए बोले हुए हैं। H सर एक आगे की स्लाइड करो ना। हाँ क्या हुआ? आगे की स्लाइड करो ना। ओके, व्हाट हैपेंड इन दैट स्लाइड? ये लिखना बाकी। लिख लो अच्छे से, लिखना सभी। स्क्रीनशॉट ले लिया, चेंज कर दो। ओके, अब देखो अब मैं कौन सा आपको सिखा रहा था? हाँ, HAUCl4 है, ठीक है, HAUCl4 है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम AU का ढूंढो, चलो X लेके, AU का पता नहीं है, X ले लो। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? प्लस वन प्लस X प्लस फोर माइनस वन। क्यों ऐसा किया बताओ? तो एक Cl का माइनस वन होता है इसलिए फोर इंटू क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फोर का जीरो। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? प्लस थ्री। यस प्लस थ्री। अब साइंटिस्ट थे, स्टॉक नोटेशन प्रोसेस निकाली,
साइंटिस्टों ने एक प्रोसेस कौन सी निकाली, स्टॉक नोटेशन प्रोसेस। उसमें क्या करना होता है, आप भले ऐसे लिखो एच ए यू सी एल फोर ही लिखो, लेकिन ए यू के पास आपको ऐसा थ्री लिखना पड़ता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो ए यू जो है ना वो दो तरह का होता है, ए यू प्लस वन में भी हो सकता है और ए यू प्लस थ्री में भी हो सकता है। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनके लिए क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए थोड़ी दिक्कत ये बनती है कि आपको दिखाना पड़ता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कॉपर है तो कॉपर प्लस वन भी हो सकता है और कॉपर प्लस टू भी हो सकता है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? तो उस टाइम पे, आजकल तो पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने एक प्रोसेस निकाली थी, स्टॉक नोटेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस निकाली थी? स्टॉक नोटेशन प्रोसेस, जिसमें क्या करना होता है, जैसे लिखते हैं वैसे ही, लेकिन जो हमारी मेटल आयन है उसके साइड में ब्रैकेट में रोमन डिजिट में हमें क्या लिखना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक है CuI और एक है CuO। चलो अब आपको बिना देखे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर क्या है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता होगा, इसका प्लस वन है, तो सॉरी इसका माइनस वन है आयोडीन का, तो प्लस वन। इस कॉपर का प्लस वन है, इस ऑक्सीजन का माइनस टू है, तो इसका प्लस टू, क्योंकि दोनों का मिला के जीरो होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का मिला के जीरो होना चाहिए। तब मैं कैसे लिखता हूँ, अभी स्टॉक नोटेशन में इसको ऐसे लिखते हैं, सी यू फिर ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, वन आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे कैसे लिखते हैं, सी यू वही लिखेंगे लेकिन एक ब्रैकेट करके ऐसे करेंगे। तो ये होता है हमारा स्टॉक नोटेशन प्रोसेस। ओके सर, डी ब्लॉक एलिमेंट हो तो मींस ये गोल्ड का क्या होगा, प्लस वन की प्लस थ्री? मैं बोला हूं दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, लेकिन अब तो आपको ढूंढना आ गया इजीली, है ना? यस। इसको स्टॉक नोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो टीएल थैलिया में ये टीएल 2O है, तो उसमें थीएल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ढूंढना है। तो मुझे पता है 2 into X थीएल का ढूंढना है, तो प्लस 1 कितना है ऑक्सीजन का, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही बात है, पता चला कैसे लिखा मैंने ये? यस। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू प्लस 1। तो अभी मैं इसके अकॉर्डिंग टू द स्टॉक नोटेशन मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, TL 1 O। Are you getting my point? TL 2, sorry. TL 2 1 O. Now is it clear? Yes. ये ब्रैकेट में क्या दिखाता है, रोमन डिजिट? ऑक्सीडेशन। ओके ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट वन, अब हम बात करें तो FuO, FuO, ठीक है? तो आप समझ सकते हो यहाँ पे Fe का ढूंढना है, बताओ कितना आता होगा, प्लस 2। आपको कैसे पता, ऑक्सीजन का माइनस माइनस 2, तो इसका प्लस 2 ही होगा। यस यस, अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो ऐसे आप गिन सकते हो। स्टॉक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, Fe 2 O लिख सकते हैं, यस और नो? हाँ है ना? चलो अब ये, अब देखो ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। अभी जस्ट इसके नजदीक हम लिखते हैं Fe2O3। चलो अब इसमें है ना, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आपको अगर देखना है तो इसमें क्या होता है, Fe प्लस 3 होता है और O माइनस 2 होता है, और O माइनस 2 होता है, तब आप समझ सकते हो क्या होगा। समझ गए, इसका प्लस 3 होगा, इसका माइनस 2 होगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। yes, समझ में आ रही है बात। तो 2 X प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3। हाउ इज इट क्लियर? यस। यहां से ऐसे भी पता चल जाता डायरेक्टली। और आप कैसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक नोटेशन, कैसे लिख सकते हो बताओ? Fe2 ब्रैकेट में 3 O3। वेरी गुड, हो गई ये बात क्लियर?
यस। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर रिज्वाइन करेंगे हम लोग। एक है MnO, MnO है, तो यहाँ पे Mn का ढूंढना है, x बताओ कितना आता होगा? प्लस टू। यस वेरी गुड, प्लस टू। डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। चलो MnO2 है, उसमें Mn का कितना आता होगा? प्लस फोर। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं Mn प्लस फोर, कैसे लिखते हैं रोमन में? वन। यस। सो दैट्स व्हाट हो गया आपका MnO2। इज इट क्लियर, यस और नो? मतलब मार। ओके। यस सर। आयुषी, डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। नेक्स्ट वन। तो ये थे पूरे के पूरे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चों, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करने होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। आप लिखो कि MnO4 में K2Cr2O7, उसमें Cr का, फिर HNO3, उसमें N का, फिर Mn का आएगा प्लस। ओह हेलो हेलो हेलो, डोंट टेल इट राइट नाउ, से पहले ट्राई करो आप, ठीक है। मैं अभी लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे H2SO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो K2CO3 में कार्बन का ढूंढो, फिर CaCO3 में कार्बन का ढूंढो, फिर MgCl2 में Mg का ढूंढो, फिर बहुत डिफरेंट आते हैं एग्जैक्टली, CaSiO3 में सिलिकॉन का ढूंढो, Ca3PO4 थ्राइज में फास्फोरस का, Ca3PO4 ट्वाइस, ये बहुत बढ़िया होता है, इसमें फास्फोरस का ढूंढना है। चलो आप, मैं आपको ये सिखाता हूँ, याद करवाना, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ऐसे Ca3PO4 ट्वाइस है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, तब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी सिखाया, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्राई करनी है तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। CaSO4 में सल्फर का, पहले लिख लो, लास्ट में आपसे डाउट पूछूंगा, डोंट वरी। CaOH ट्वाइस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतने बात नहीं, अभी करेंगे, वाई आर यू वरिंग, अभी करेंगे, टेंशन मत ले तू, ओके। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स, अब देख, अभी तो मजा आएगा, भिड़ो, देखो कैसे कैसे BOH4 और उसके ऊपर रहता है -2 CuNH3 फोर टाइम्स +2, उसमें कॉपर का ढूंढना है, फिर NiCO4 में निकल का ढूंढना है, अब आएगा मजा। चलो आप लिख लो, मैं आपको सब वन बाय वन करवाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में यही करवाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, ओके। मयंक मयंक मयंक, क्या करे यार, रिकॉर्डिंग बंद कर दे, ओके। चलो ये सभी आपको करने हैं अच्छे से, और अभी करने हैं, ओके, चलो डू इट।